नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज मैं आपको कराने वाला यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाले हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पर लगातार आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। जैसे चैप्टर प्रैक्टिस सेट की सीरीज खत्म होती उसके बाद मैं आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना है। मैं आशा करता हूँ आप जरूर अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो इसमें रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा, लेकिन इसमें हो जाएगा रेखांकित शब्द, वो हो जाएगा अव्यय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है। तो धीरे धीरे इसमें क्या हो जाएगा, तो धीरे धीरे हो जाएगा इसमें क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है। तो रेखांक से निकट, तो इसमें निकट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संबंध सूचक शब्द। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाय अब मैं क्या करूँ, इस वाक्य में विस्मयादी बोधक शब्द बताइए। तो इसमें विस्मयादी बोधक शब्द हो जाएगा हाय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो इसमें समुच्चय बोधक शब्द नहीं, हो जाएगा अजन्म। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला शब्द, कौन सा पद विकृत नहीं होता, कौन सा पद है जो विकृत नहीं होता है। तो वो नहीं होता है अव्यय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भाग में विभक्त किया जाता है। तो कितने भागों में विभक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है 13 भागों में विभक्त। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द वाक्यांशों वाक्य शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं समुच्चय बोधक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अव्यय है, तो निम्न में कौन सा अव्यय है। तो ये अव्यय हो जाएगा आहा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंध सूचक अव्यय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन अव्ययों का संबंध वाक से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है, बी डॉट डॉट होते हैं। तो वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं विस्मयादी बोधक अव्यय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 49वां, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य, रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है। तो इसमें अव्यय हो जाएगा वाह वाह, तो इसमें रेखांकित हो जाएगा हर्ष बोधक अव्यय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द बताइए। तो इसमें रेखांकित शब्द कौन सा हो जाएगा, तो इसमें रेखांकित शब्द हो जाएगा क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय अत्यंत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है, तो ये हो जाएगा इतना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुच्चय बोधक को कहते हैं, तो समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आभिकारी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है। तो यह कौन सा भेद है, तो ये हो जाएगा भेद क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है। तो भरोसे में शब्द का रूप है संबंध बोधक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, मैं धड़ाधड़ में कौन सा रूप है, तो धड़ाधड़ में रूप हो जाएगा क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभिकारी शब्द क्या होता है। तो जो आभिकारी है वो होता है
अव्यय ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो कौन सा शब्द क्रिया विशेषण वो है तेज शब्द है वो क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह बहा लाचार क्योंकि वह अंधा है, इस वाक में वह कौन सा अव्यय है, तो इसमें वाक में कौन सा अव्यय का प्रयोग हुआ, तो इसमें हुआ है कारणवाचक अव्यय का प्रयोग ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक में कौन सा अव्यय है, तो इस वाक में कौन सा अव्यय का प्रयोग इसमें प्रयोग हुआ है स्वरूप बोधक अव्यय का प्रयोग ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेखांकित भाग का सही अव्यय होगा आज दिन भर वर्षा होती रही, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करो जो निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाववाच्य में बदलना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा से स्कूटी चलाई जाती, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय के भेद हो, सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो समुच्चय बोधक अव्यय ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो, सीता के आगे रमा खड़ी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह काम नहीं करता वाक में अव्यय पद है, तो वाक में कौन सा अव्यय का प्रयोग हुआ है, तो हो जाएगा नहीं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचाने, तो प्रतिदिन में कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अव्यय ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता वह, तो वह क्या कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं अव्यय कहलाते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, तो वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद हो जाएगा, तो ये भेद हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, तो क्रिया विशेषण का कौन सा भेद हो, तो ये हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भेद ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक में ज्यादा शब्द क्या है, तो इस वाक में जो ज्यादा शब्द है वो है क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है, तो कौन सा वाक हो जाएगा क्रिया विशेषण का, तो ये हो जाएगा बाहर भीतर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समानाधिकरण और व्यधिकरण किसके भेद हैं, तो ये भेद हो जाएंगे समुच्चय बोधक के ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, तो कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं, तो ये हो जाएगा जातिवाचक ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते उसे डॉट डॉट कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।